वेलकम एवरी वन इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आई यू सी एन रेड लिस्ट थ्रेट कैटेगरीज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी थ्रेटन स्पीशीज वो स्पीशीज़ होती हैं जिनका नंबर इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में बहुत कम हो गया है और जिनका हैबिटेट या तो डिस्टर्ब हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं उनको हम थ्रेटन स्पीशीज़ बोलते हैं ट ऑफ दिविंग स्पीशीज आर इन डेंजर मतलब जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं उनमें से जो टेन परसेंट स्पीशीज हैं वो अंडर डेंजर हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिस जिसको हम आई यू सी एन बोलते हैं उसकी जो हेड क्वार्टर एट मॉर्जिस इन स्विटरलैंड में एक बुक uh, मेंटेन की जाती है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है जो भी स्पीशीज डेंजर में है या डेंजर जितनी भी स्पीशीज हैं उसको बोला जाता है रेड डाटा बुक नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ थ्रेट एट रेड लिस्ट कैटेगरीज हैव बीन फाउंड गिवन इन है टेबल इज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज

इन नोन और एक्सपेक्टेड हैबिटेट हैज़ नॉट रिकॉर्डेड एज इंडिविजुअल थर्ड वन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड वेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन दी वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर इसमें उन स्पीशीज को रखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है जिन fourth one is endangered when it is not critically endangered however is facing a very high risk of disappearance in the wild in the immediate future means jo abhi to endangered critically endangered hai, but future may wo extinct ho sakte hai. fifth one is vulnerable when it is not critically endangered or endangered but is facing a high risk of disappearance in the wild in the medium term future सिक्स वन इज़ द लो रिस्क वेन इट हैज़ बीन इवेलुएटेड एंड डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड और वलरेबल इसमें उन स्पीशीज को रखा जाता है जो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करती हैं एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वलरेबल का सेवन वन इज डाटा डेफिशियंट इसमें उन स्पीशीज को रखा जाता है जिनका पर्टिकुलर और सफिशियंट डाटा नहीं होता है नॉट इवेलुएटेड इसमें उन स्पीशीज को रखा जाता है जिस, जिन में ये जो हमने ऊपर कैटेगरीज पढ़ी वो स्पीशीज जो इन में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती हैं उनको रखा जाता है नॉट इवेलुएटेड कैटेगरी में reduced स्टार्ट विद critical स्पीशीज or आर natural स्पीशीज हुज नंबर adversely और एंडेंजर्ड स्पीशिज़ में वो स्पीशज आती हैं जिनका नंबर जो है इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है या रिड्यूस हो गया है और जिनका जो नेचुरल हैबिटैट है वो भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड है सो दीज आर नियर एक्सटिंक्शन एंड मे बिकम एक्सटिंक्ट इफ़ दीज कैजल फैक्टर्स कंटिन्यू ऑपरेटिंग अब हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि एक्सटिक्शन uh, को कॉज कर अगर एक्सटिंक्शन के फैक्टर ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो ये जो स्पीशीज़ हैं जिनका नंबर ऑलरेडी बहुत कम है इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में तो ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इंडिया का जितना भी फोना है उसकी जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने फोर शेड्यूल्स लिस्ट दी रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन तो जो स्केड्यूल वन था उसमें रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज थी जिनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया है इसमें एटी वन स्पीशीज मैमल्स की हैं थर्टी एट स्पीशीज बर्ड्स की एंड एटीन स्पीशीज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की हैं जो इंडिया में एंडेंजर्ड है जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं क्रिटिकली एंड एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगी वो स्पीशीज जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर में है और जिनकी जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है जैसे प्लांट में आ बर्बेरिस नाइग्रेंसिस एनिमल्स में आ जाती है पिग्मी हॉग अगर हम एंडेंजेंट स्पीशीज की बात करते हैं तो उसमें प्लांट्स में आ जाते हैं बेंटिकिया निकोबारिका जो ये वाला है और एनिमल में आ जाता है रेड पांडा सेकेंड वन इज़ दी वनरेबल स्पीशीज़ अब इसमें वो स्पीशीज़ आती हैं जिनकी पॉपुलेशन तो अभी काफ़ी है बट उनका जो होम है और हैबिटेट है वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से वो कभी भी एंडेंजर्ड बन सकती हैं अगर ये जो फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है अगर ये फैक्टर ऐसे ही चलते रहे तो एक टाइम बाद ये स्पीशीज़ भी एंडेंजर्ड हो जाएंगी और फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर हम वनरेबल एनिमल स्पीशीज़ की बात करते हैं इंडिया में तो वो हैं गोल्डन लंगूर सेकेंड वन इज़ द लैप बर्ड कैट थर्ड वन इज़ दी ब्लैक बक एंड फोर्थ वन इज दी क्यूपरेसिस कैश जो ये वाला प्लांट है थर्ड कैटेगरी इज़ रेयर स्पीशीज़ इसमें वो स्पीशीज आ जाती हैं जो कि ऑलरेडी थ्रेटन स्पीशीज़ हैं और बहुत ही कम नंबर हैं जिनका एनवायरमेंट में या इकोसिस्टम में और जो ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही कन्फाइंड होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लार्ज जोग्राफिकल एरिया में वो भी बहुत कम है मीन्स ये बहुत ही कम कम जगह पर मिलते हैं अब जबकि बात आती है एंडेंजर्ड की तो ये स्पीशीज एंडेंजर नहीं है प्रेजेंटली बट फ्यूचर में जैसे जैसे इनका नंबर कम हो रहा है तो ये एंडेंजर्ड बन सकती हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है स्नो लॉरिस इंडियन डेजर्ट कैट वाइल्ड याक मलकोर, घेरियल एंड हिमालयन नेव ये जो हमने एक टर्म पढ़ी रेड डाटा लिस्ट अब इसके कुछ मेजर यूजेस हैं हमने देखा कि रेड डाटा लिस्ट में उन स्पीशीज को रखा जाता है जो कि या तो एंडेंजर्ड हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या फिर एक्सटिंक्ट uh, होने के कगार पे हैं या फिर जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है तो अब ये जो रेड डाटा लिस्ट है उसके क्या यूजेज हैं और क्या बेनिफिट्स हैं इट हेल्प्स टू ब्रिंक अवेयरनेस अबाउट दी सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेटन स्पीशीज अब ये रेड डाटा लिस्ट अवेयर करती है कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है और वो कितनी वैल्यूएबल हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज रेड डाटा लिस्ट हमें इंफॉर्मेशन uh, प्रोवाइड करवाती हैं जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है उनके बारे में हमें इन्फॉमेशन प्रोवाइड करवाती है टू ब्रिंग आउट कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ एट लोकल लेवल्स एंड डायरेक्टिंग कंजर्वेशन एक्शंस टू प्रोवाइड अ ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डिक्लाइन इन डायवर्सिटी ये हमें बताती है कि जो हमारा टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें कितना डिक्लाइन हो रहा है नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वेरियस कॉजेज जो कि बायोडाइवर्सिटी में एक्सटिंक्शन कॉज करते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे सेव कर सकते हैं या फिर वाइल्ड स्पीशीज को कैसे एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं नाउ स्टार्ट विथ डेफिनेशन इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द बायोस्फेयर इन सच अ वे दैट इट मे हिल्ड द ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल बेनिफिट्स टू प्रेजेंट जनरेशन भाई मैंटेनिंग इट्स पोटेंशियल टू मीट द नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो बायोस्फेयर है या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से मैनेज करना ताकि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन उनका प्रॉपरली यूज़ कर सके और जो आने वाली जनरेशन है उनकी जो नीड्स हैं उनको भी पूरा किया जा सके नाउ वट इज़ दर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आर टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दैट इज़ एयर वाटर एंड सॉइल मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो हमने पढ़े थे इकोसिस्टम में और लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम है एयर वाटर एंड सॉइल उनको मेंटेन करके रखना ताकि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखा जाए टू प्रिजर्व दी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज और दी रेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑफ वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन अब जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज़ हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टोर करके रखना टू एंश्योर कॉन्टीन्यूअस यूज़ ऑफ स्पीशीज़ इनफैक्ट इकोसिस्टम्स सिस्टम विच सपोर्ट रूरल कम्युनिटीज एंड अर्बन इंडस्ट्रीज़ अनदर ऑब्जेक्टिव है कि जो स्पीशीज हैं या फिर नेचुरल रिसोर्स हैं और जो इको सिस्टम है उसका ऐसे यूज़ करना कंटिन्यूस यूज़ करना ताकि जो है रूरल uh, कम्युनिटीज और अर्बन इंडस्ट्रीज़ उन सबकी नीड्स को पूरा किया जाए अब क्या क्या कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हैं फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स बोथ इन देयर नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन एंड इन दी जोलॉजिकल और बोटानिकल गार्डन दैट इज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन अब इसमें आ जाता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं और जो भी उनके वाइल्ड वेराइटीज़ हैं या वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनका कंजर्वेशन करना उनको संभाल के रखना या तो उनको हम उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करके रख सकते हैं जिसको हम इन सिटू बोलते हैं या फिर उनको जोलॉजिकल पार्कस में हम

Uh, ताकि जो है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज उनमें ग्रोथ हो सके और वो मल्टीप्लीकेशन कर सकें जिससे वो एक्सटिंक्ट ना हो थर्ड वन इज़ दी प्रायरिटी शुड बी गिवन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम टू बी एंडेंजर स्पीशीज़ ओवर अ वनरेबल स्पीशीज एंड टू अ वनरेबल स्पीशीज़ ओवर अ रेयर स्पीशीज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर एंड uh, स्पीशीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए वनरेबल स्पीशीज के uh, अलावा और जो वनरेबल स्पीशीज़ हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए जहाँ पर रेयर स्पीशीज और वनरेबल स्पीशीज होती हैं मीन्स एनडेंजर्ड स्पीशीज को हम प्रायोरिटी देनी चाहिए जहां पर वनरेबल uh, स्पीशीज भी हैं और वनरेबल स्पीशीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए जहाँ पर रेयर स्पीशीज़ भी हैं फोर्थ वन इज द मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दैट इज एयर वाटर एंड लैंड ऑफ द वाइल्ड लाइफ मतलब जितनी भी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनका जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है या एक तरह से हम बोल सकते हैं उनके हैबिटेट को मैनेज करके रखना चाहिए फिफ्थ वन इज हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड बैंड अब हंटिंग के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जस्ट लाइक like, जो सिर्फ लाइसेंस्ड पर्सन हैं उनको ही अलाउ करना चाहिए हंट करने के लिए और जो हंटिंग होती है यंग एनिमल्स की वो बैन होनी चाहिए हंटिंग इन ब्रीडिंग सीजन शुड बी बैंड जब जो एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज ब्रीड करती हैं तब हंटिंग बैन होनी चाहिए हंटिंग ऑफ थ्रेटन स्पीशीज शुड ऑल्सो भी बैन अब जो थ्रेटन स्पीशीज हैं जो जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है उनकी हंटिंग भी बैन होनी चाहिए अ लिमिट शुड बी इम्पोज ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स टू बी हंटेड अपॉन अब जितने एनिमल्स हंट किए जाते हैं या किल किए जाते हैं उनके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए अब जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते रहते हैं माइग्रेशन करते रहते हैं उनका जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड इन यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल शुड बी रेगुलेटेड और बैंड अब जैसे हमने देखा था कि एक्सटिंक्शन का एक कॉज ये भी है कि जो एनिमल्स uh, होते हैं उनको पॉज किया जाता है या किल किया जाता है ताकि उनसे जो भी ट्रेडिंग गुड्स हैं वो ले सकें तो जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का उसको भी या तो रेगुलेट करना चाहिए या फिर बैन करना चाहिए इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना रिसेंटली अ प्रोटोकॉल हैज बीन साइंड बाय इंडिया एंड चाइना टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स टू कम दैट इलीगल पॉचिंग ऑफ टाइगर्स एंड स्मगलिंग ऑफ द टाइगर बोन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी हाल ही में इंडिया और चाइना ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है जिसमें जो दोनों के एफर्ट्स की वजह से जितनी भी इलीगल पॉचिंग होती है टाइगर्स की या स्मगलिंग होती है टाइगर्स के बोन्स की या उनके डिफरेंट पार्ट्स की उसको स्टॉप किया जाए नेक्स्ट वन इज एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन मेन तो यही है कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए और लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ शुड बी अवॉइडेड नेक्स्ट वन इज द स्पीशीज एंड इको सिस्टम शुड नॉट बी एक्सप्लाइटेड बियॉन्ड देयर प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज द यूनिक इको सिस्टम शुड बी प्रोटेक्टेड ऑन प्रायरिटी बेसिस अब जो स्पीशीज़ हैं या इकोसिस्टम हैं या जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हमें एक लिमिट तक यूज़ करना चाहिए मतलब उनको उनकी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और जो इकोसिस्टम है या फिर बायोडाइवर्सिटी है उसे हमें प्रोटेक्ट uh, करने के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए नेक्स्ट इज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज शुड बी सेट अप टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ दिस विल सेफ गार्ड दी जैनेटिक डवर्सिटीज़ ऑफ द स्पीशीज़ एंड देयर कंटिन्यूइंग इवोल्यूशन अब जो नेचुरल पार्क्स होती हैं या सेंचुरीज होती हैं वहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ को सेव करके रखना चाहिए अगर वो सेफ होंगी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज सेफ़ होंगी तो वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहेंगी और वो कंटिन्यू करेंगी इवोल्यूशन द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू प्रोवाइड्स लीगल मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ स्पेसिफाइड इन वन टू थ्री एंड फोर ऑफ़ दिस एक्ट अब जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1992 है उसके अकॉर्डिंग अगर uh, ये जो हंटिंग होती है ये इलीगल है और जो हंटिंग है वो टोटली बैन है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड इन वन टू थ्री एंड फोर ऑफ दिस एक्ट नेक्स्ट इज़ टू प्रिवेंट फर्दर डिट्यूशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ यूजफुल वाइल्ड लाइफ द नेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद द इंटरनेशनल प्रोग्राम एस्पेशली ऑफ यूनेस्को दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड आई यू सी एम दट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अब जितनी भी यूज़फुल वाइल्ड लाइफ या तो एक्सटिंक्ट हो रही हैं या फिर आ, उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसको स्टॉप करने के लिए आ, जो जितने भी नेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं उनको इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जस्ट लाइक यूनेस्को और आई जैसी कंजर्वेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए साइंटिस्ट ऑफ सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है उसका यूज़ करके हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और जो चाइना है वहाँ पर यही फैसिलिटीज़ जो आई है इसी को यूज़ किया जाता है जो तो जायंट पांडा है और अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए इन चेंगडू में तो ये थे कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज जिनका यूज़ करके हम जो हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं या जितनी भी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ हैं एंड स्पीशीज़ हैं उनको सेव uh, कर सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टू वीडियो टाइटल्ड द आई यू सी एन रेड लिस्ट थ्रेट कैटेगरीज एंड कंजर्वेशन ऑफ़ बायोडावर्सिटी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग